से भी सवाल पूछा है और रेलवे से सवाल किस फॉर्मेट में पूछा है तो वो देखिएगा। क्या आपको ये इंफॉर्मेशन है कि रेलवे का शुरुआत सबसे पहले कहां हुआ था? सबसे पहले विश्व की बात कर लेते हैं, विश्व में सबसे पहले कहां हुआ था? तो ये लंदन में। कहां पर? लंदन में हुआ था। कब? तो 27 सितंबर 1825 में। 27 1825 में, क्लियर। कहां तक लंदन गया था? तो चला था कहां से कहां तक? डार्लिंगटन, ये स्पेस का नाम है, जगह का नाम है। डार्लिंगटन से स्टॉकटन तक। लंदन में दो, ये जगह का नाम है, लंदन बहुत बड़ा इलाका है तो उसमें दो जगह है। डार्लिंगटन से स्टॉकटन के बीच में जो है ट्रेन चला था पहली बार, और कब चला था? 27 सितंबर 1825 में, क्लियर। क्योंकि वहां पर ट्रेन जो है बहुत सारे सामान को यहां से वहां तक पहुंचा सकता है, वो भी इजीली तरीके से, ठीक है। तो क्या किया था, जब इंग्लैंड वाले यहां पर आ चुके थे तो यहां पर भी उन्होंने क्या किया, रेलवे को बिछाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि उन्हें करना क्या था, यहां से भारत से मटेरियल को कहां भेजना था, अपने देश में। तो यहां से वहां तक तभी जा पाएगा जब समुद्री जगह के पास, यानी कोस्टल इलाके में, ये कोस्टल इलाका है मान लीजिए, तो कहां से भेजते थे? कोलकाता से, मुंबई से, विशाखापट्टनम, इस तरह जहां से। तो जहाज से अगर भेजना है तो यहां तक मटेरियल तो लाना पड़ेगा ना। ये तो वो लोग क्या करते थे, मान लीजिए यहां पर सोना उत्पन्न हो रहा है तो यहां से यहां तक लाने के लिए क्या करते थे, रेलवे का निर्माण किया करते थे वो, ठीक। तो क्या किए उन्होंने, इंडिया में भी रेलवे को बिछाया गया। कब उन्होंने रेलवे को बिछाया तो वो देखिएगा, यानी कि रेलवे भारत में शुरुआत कब हुई, डेट याद है, 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है। 16 अप्रैल 1853 को पहला ट्रेन चला, कहां से कहां तक चला था ये, मुंबई से थाने या फिर थाने बोलते हैं इसको, कहीं पर थाने कर देता है, कहीं पर थाड़े करता है, स्पेलिंग मिस्टेक वहां पर आता है, मतलब वहां पर डायरेक्टली ट्रांसलेट करने में थाने कभी थाड़े हो जाता है, क्लियर सर। मुंबई से थाड़े, इसमें दूरी भी क्वेश्चन में पूछ चुका है, तीन दोनों के बीच में कितना किलोमीटर दूरी चला है ये, तो 34 किलोमीटर। यानी पहली बार जो ट्रेन चली मुंबई से थाने वो 34 किलोमीटर की दूरी तैयार की, मतलब तय किया उन्होंने, क्लियर। और वहां पर चढ़ने के लिए काफी भीड़ वहां पर जुटा हुआ था कि हम भी पल चढ़ेंगे, मतलब पूरा फूल गया था ये, समझ पा रही है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये इसमें सवाल क्या पूछा है, ये 34 किलोमीटर वाला हाईवे अभी हमको मिला नहीं है, नो प्रॉब्लम। ये तो हो गया भारत में, और ये वाला कहाँ के हो गया, विश्व में पहला ट्रेन जो है यहीं पर चला था, इंग्लैंड में। जेम्स वाट, जिन्होंने ये वास्प इंजन की खोज की थी, उनका कहानी पता है ना, जेम्स कहानी उनका पता है, चाय बना रहे थे वो केतली में, तो केतली उन्होंने क्या किया वहां पर, केतली में जब चाय बन रहा था तो ये क्या हुआ था, ये जो ढुड़की होता है इसे निकलने वाला, उसको बंद कर दिया गया था ताकि उधर से चाय ना निकले, तो ये जो ढट्टन है ये बार बार ऊपर की ओर निकल रहा था, तो उन्होंने क्या किया, इसको बंद करने की कोशिश की पीछे किसी चीज से, तो वो बंद नहीं हो रहा था, मतलब बार बार प्रेशराइज होने के बाद वो निकल जा रहा था, फिर उन्होंने ईंटा पत्थर से बंद किया फिर भी वो बाहर की ओर निकल जा रहा था। तब उन्होंने ये पहचाना कि वाष्प में जो है बहुत ज्यादा क्षमता जो है छिपा हुआ है, तो उसी से उन्होंने क्या किया, वाष्प इंजन का निर्माण किया, और उसी से जो है बड़े बड़े फैक्ट्री में जो है मशीन जो लगा हुआ आपको दिख रहा है वो उसी से बना हुआ है। ये रेलवे भी उसी से चलता है, पर कैसे चलता था, कोयला से पानी को गर्म किया जाता था और वो चक्का में ऐसे लगा हुआ था, तो यहाँ पर वेपराइज होकर यहाँ पर जब प्रेशराइज करता था तो यहाँ से ये आड़े की ओर ऐसे ऐसे टेलता था इस फॉर्मेट में, तब जाकर वो चलता था, ठीक है। पटना कभी गए हैं क्या, पटना जंक्शन पर वहां पर ट्रेन छोटा सा दिखाई देगा आपको, उसमें ये सारा फंक्शन आपको दिख जाएगा, ठीक है। या फिर आपने ये वाला देखा होगा, गदर मूवी देखे हैं, गदर मूवी
नहीं, तो लास्ट में जो है वो जब उधर से पहचान से भागता है तो क्या फेंकता है, कोयला फेंकता है। कोयला से जला क्या रहा है वो, आग जला कर वहां पानी वाला जो वेपराइज करने वाला है ने उसको गर्म कर रहा है। और जब ये पानी गर्म होता है तो वहां से जो वाष्प प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें जो लेटेंट हीट छिपा हुआ उसकी वजह से वो मशीन चलता है। ठीक है, ऐसा तो दिक्कत नहीं इसमें। अब हमारे पास हाई वाला में से अभी सवाल पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है इसमें से, नो प्रॉब्लम। अब ये भारत में रेलवे जो चला तो भारत में चूंकि ये बड़ा इलाका है और यहाँ पर पूरी तरह से जाल बिछा हुआ है रेलवे का, तो इस पूरे जाल को जो है सेक्शन में बांटा गया है, क्षेत्र में बांटा गया, जोन में बांटा गया है। सवाल आया था क्या चीज कि भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है, तो इसका आंसर क्या है कितने जोन में, तो इसको बांटा है 17 जोन में। कितना जोन में? 17 जोन में। क्या है ये चीज? पूर्वी रेलवे, उत्तरी रेलवे, मध्य रेलवे, दक्षिणी रेलवे, दक्षिणी पूर्वी, मध्य रेलवे, ऐसे ऐसे। क्लियर है ऐसा? सवाल इसके अंदर भी है कि 17वां जोन का मुख्यालय कहां कहां पर है, समझ पा रहे हैं? तो 17वां का मुख्यालय भी याद करना पड़ेगा और हम उसको अभी के अभी याद करवाने वाले हैं, कोई दिक्कत है? तो अभी काम कीजिए, इसको आप छाप लीजिए, नॉर्मली यहाँ पर खींचा जा रहा है, ठीक है? आप भी कॉपी पर खींचिएगा उसको। और मैप बनाने से पहले हम कुछ डायरेक्शन के बारे में बता देते हैं, हटा दे इसको अपना। अगर कोई मैप